wanted to see my cutting diet ka pura calories, all the meals, all the protein, so I'm going to do it today. Agar 4 meals hai mere total, sabki calories, macros, protein wagera sab daal dunga idhar. It roughly totals up to 2200 calories and 160 grams protein, 150-160 grams protein. Thing to notice is ye 4 meals more or less same rehte hai, but inki time change hota rehta hai, because main college mein hu, mere ko sab khud banana padta hai, to time hamesha same nahi reh pata, but more or less I eat these 4 meals only, and isi ki wajah se mere calories aur protein same hi rehta hai at the end of the day. मेरे फ्लैटमेट का फुल डे ऑफ ईटिंग है. आई डोंट नो व्हाट इट इज. भाई क्या क्या मंगाया है भाई? थोड़ा सा चावल. हाँ, थिंग्स अबाउट दिस डाइट इज मैं 6 दिन सेम चीज खाता हूँ, जिसमें मेरा कार्ब बहुत डिप्लीटेड रहता है. आई ईट अराउंड 100 to 150 grams ऑफ कार्ब्स आई गेस. एंड जो 7th डे होता है, आई टेक इट एज ए रीफीड डे और चीट डे, जिसमें मैं बाहर से कुछ खा लेता हूँ, एंड उससे लाइक माई बॉडी रीस्टोर्स द कार्ब स्टोर्स एंड शेट. लाइक आई जस्ट फील फुलर आफ्टर दैट वन मील. 6 डेज बेसिकली इट्स अ हाई प्रोटीन लो कार्ब टाइप ऑफ मील. सॉरी क्या कर रहा है भाई. 6 डेज इट्स लो कार्ब एंड 7 डे इट्स लाइक अ रीफीड डे. एंड अब तक मैंने कट पे अराउंड 2 kg ही लूज किया. 20 डेज आई थिंक द रेट इज फाइन. मेरे को एकदम स्लो ही जाना है कट पे. मील 1, 2 चिकन सैंडविचेस एंड मिल्क. बनाना शेक मैंने गलती से बोल दिया था. आई जस्ट हैव ट्राई मिल्क, कज मैं बल्क पे नहीं हूँ. इट हैज़ लाइक 540 कैलोरीज आई गेस एंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. मैं यहाँ पे सारे एग्जैक्ट मैक्रोस डाल दूंगा हेल्थीफाई मी से. इट्स वेरी हार्ड जब तुम ये खा रहे हो और तुम्हारे साइड वाला बंदा वो सब खा रहा है. जस्ट हिट अ वर्कआउट एंड आई एम बैक फ्रॉम द जिम. अभी मैं 3rd मील बनाऊंगा अपना, विच इज़ द पोस्ट वर्कआउट मील. बीच में एक और मील आता है मेरा, 2nd मील जो होता है, दैट आई हैव इन द कॉलेज कैंटीन. वो मैं आपको दिखा नहीं सकता ऑब्वियसली, बिकॉज मैं कैंटीन से लेता हूँ. इट्स बेसिकली चिकन रोल, उसके मैं मैक्रोस इधर डाल दूंगा. इट्स नॉट मच एंड आई अप्रोक्सीमेट इट. अभी 3rd मील बनाएंगे जो पोस्ट वर्कआउट मील है. और जो चीज़ है जो मैं बताना भूल गया पहले, इज 2 out of the 4 मील्स आई बल्क कुक. बेसिकली संडे को आई जस्ट कुक द, मतलब मैरिनेट द चिकन ब्रेस्ट एंड फिलिंग ऑल्सो आई मेक इट ऑन संडे एंड देन पुट इट इन अ बॉक्स एंड उसे यूज कर लेता हूँ बस. इट्स जस्ट कन्वीनियंट व्हेन यू आर इन कॉलेज, बिकॉज टाइम नहीं मिलता एंड 5-10 मिनट में आपके मील्स बन जाते हैं. नॉट द प्रीटीएस्ट ऑमलेट, बट काम चलाना पड़ता है इससे, बिकॉज मेरे को बस कैलरीज और प्रोटीन चाहिए. टेस्ट से अब फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को. फील अलग ही फील्स में है, पता नहीं क्यों. ही इज द वन प्लेइंग दीस सॉन्ग्स, नॉट मी. दिस इज माय मील 3 व्हिच इज 4 एग्स ऑमलेट. अब मैं इसको ऑमलेट तो नहीं बोल सकता, पता नहीं क्या है, बस है 4 अंडे है, प्रोटीन शेक विद मिल्क. थोड़ा सा पी लिया तभी कम हो गया, बट या इसके मैक्रोज मैं अभी साइड में डाल दूंगा. ये 2 साल का बच्चा है भाई. मील भाई तू क्या कर रहा है अभी? भाई इसको तो नहीं हो भाई भाई. कल हमारा टेस्ट है एक होगा, और वो बंदा साइड टेबल ढूंढ रहा है अमेज़न पे. प्रायोरिटी नहीं दिख रहा. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विद द कैमरा मैन. नील कैमरा पकड़ रहे हैं. अब लास्ट मील बना रहे हैं हम, व्हिच इज चिकन ब्रेस्ट एंड वन मोर थिंग. तो दिस इज व्हाट आई सेड कि मैं बल्क कुक करता हूँ, मतलब मैरिनेटेड रखा हुआ है. नाउ जस्ट पुट इट इन द पैन. अभी अभी 2 कुक करेंगे, बिकॉज नील को भी चाहिए. आई विल शो यू माय कुकिंग स्किल्स. आई लेट इट कुक फॉर 10-15 minutes induction पे जल्दी हो जाता है. कोई नहीं, इसका फर्स्ट टाइम है भाई. हो गया, बाकी दो हम कल खा लेंगे भाई.
वो लाइफ पे गिव अप कर चुका है पूरी तरीके से। चिकन ब्रेस्ट इज रेडी, थोड़ा सा ओवर कुक हो गया है बट इट इज व्हाट इट इज। इसके साथ मैं खाऊंगा ब्रेड और पीनट बटर। दिस इज माय लास्ट मील फॉर द डे, डिनर चिकन ब्रेस्ट अराउंड 130-140 ग्राम्स एंड दो पीनट बटर के स्पून एंड वन ब्रेड, टोटल्स अप टू अराउंड 490 कैलोरीज एंड 45-50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैं एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर डाल दूंगा। फिनिशिंग माय डिनर, तो टोटल चार मील्स थे, लास्ट मील था, अब ख़त्म हो गया मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग। वन इन द कैंटीन, तीन हाई प्रोटीन वाले जो मैंने खुद बनाए हैं, कार्ब्स लो था, आपने देख ही लिया। आई नो बहुत ब्लैंड फूड है एंड लाइक फ्लेवर नहीं है एंड स्टफ, बट आई जस्ट वांट रिजल्ट्स एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैंने 8-9 महीने बहुत फोकस होकर बल्क किया है। अब आई नीड टू स्प्रेड डाउन एंड प्रेजेंट दैट फिजीक जिसके लिए मैंने इतना काम किया था। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर इट विद अ फ्रेंड, शेयर इट विद अ फैट फ्रेंड जैसे कट करना है, उसको हेल्प हो जाएगी काफ़ी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।